हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों, लर्निंग प्लेटफॉर्म विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो है भारतीय आधुनिक कलाकार सुधीर रंजन खस्तगिर जी का कला परिचय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप किसी भी कला परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आइए जानते हैं भारतीय आधुनिक कलाकार सुधीर रंजन खस्तगिर जी का परिचय। सुधीर रंजन खस्तगिर जी अति परंपरावाद और अति आधुनिकता के विरोधी तथा इन दोनों के मध्य मार्ग के समर्थक कलाकार थे। इनका जन्म हुआ था 24 सितंबर 1907 चटगांव, जो कि अब बांग्लादेश का हिस्सा है, उस समय ये भारत का हिस्सा था। बचपन से ही चित्रकला के प्रति उनकी गहरी रुचि थी। उनके पिता श्री सत्य रंजन खस्तगिर कलकत्ता में एक इंजीनियर थे। वे सुधीर जी को भी इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन सुधीर जी इंजीनियर तो नहीं बने, परंतु हाँ, एक सफल चित्रकार और एक अनुभवी मूर्तिकार जरूर बन गए थे। खस्तगिर जी के पूर्वजों को मुगलों ने खस्तगिर यानी कि हिंदू वैद्य की पदवी दी थी। याद रखिए, खस्तगिर एक पदवी का नाम है जो उन्हें मुगलों से मिली थी, जिसका अर्थ है हिंदू वैद्य। उनकी प्रारंभिक शिक्षा वर्तमान झारखंड के गिरिहीड के एक हाई स्कूल में हुई। सन 1925 में हाई स्कूल पास करने के पश्चात वे उच्च स्तरीय अध्ययन हेतु कला भवन शांति निकेतन चले गए। यहाँ 1929 में उन्होंने स्नातक पास किया। यहाँ इनके गुरु रहे नंदलाल बोस जी। नंदलाल बोस उस समय कला भवन के अध्यक्ष थे। नंदलाल बोस के अलावा यहाँ उन्हें रविंद्रनाथ टैगोर, विनोद बिहारी मुखर्जी तथा राम किंकर बेज का भी सानिध्य प्राप्त हुआ। सुधीर रंजन खस्तगिर बंगाल के पुनर्जागरणकालीन कलाकारों में अपना प्रमुख स्थान रखते थे। याद रखिए, सुधीर रंजन खस्तगिर जी बंगाल के पुनर्जागरणकालीन जो कलाकार थे उनमें उनका एक प्रमुख स्थान था। उन्होंने भारतीय कला के संक्रांति काल में अपनी मौलिकता के द्वारा भारतीय आधुनिक कला को भी सजीवता और भाव लावण्यता प्रदान की। शांति निकेतन में ही चित्रकला की विधिवत शिक्षा ग्रहण करने के बाद वे अवनींद्रनाथ के अनुग्रह पर देश के उन स्थानों की यात्रा पर गए जो कला की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। उन्होंने अजंता, एलोरा, महाबलीपुरम, कोणार्क और एलिफेंटा आदि स्थानों की भ्रमण किया, चित्रों को देखा, मूर्तियों को देखा, उसके रूप, सौष्ठव, रंग विन्यास, रेखाओं का चमत्कार, भावों की अभिव्यक्ति आदि का बारीकी से अध्ययन किया। इसके उपरांत कला के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाने हेतु वह मुंबई चले गए, लेकिन शीघ्र ही उनका मन वहाँ नहीं लगा और मन वहाँ से उनका उचट गया। तभी ग्वालियर के सिंधिया स्कूल में उन्हें चित्रकला अध्यापक के रूप में कार्य करने का निमंत्रण मिला, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया और 1933 से 1936 तक वहाँ उन्होंने काम किया। 1936 में एक नया स्कूल खुला, दून स्कूल, वहाँ उन्होंने 1955 तक अपनी सेवाएं दी। यहीं से उन्होंने 1937 में यूरोप भ्रमण का अवसर उन्हें मिला, जिसके लिए उन्होंने एक वर्ष का अवकाश लिया। इस यात्रा के दौरान वे इटली, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन आदि देशों में गए, जहाँ उन्होंने ग्रेट मास्टर्स का काम नज़दीकी से देखा तथा वहाँ के म्यूजियम में उपलब्ध विश्व की श्रेष्ठ कलाकृतियों का अवलोकन किया। वहाँ के प्रसिद्ध चित्रकारों से भी वे मिले तथा चित्रकला की बारीकियों के विषय में कई नई जानकारी उन्होंने प्राप्त की। वे इस दौरे में इंग्लैंड के वृद्ध कलाकार एरिक गिल से भी मिले। उनकी मूर्तियों व चित्रों को देखकर खस्तगिर को एक प्रकार से प्रोत्साहन मिला। यूरोपीय यात्रा के बाद उन्होंने जब यूरोपीय यात्रा के दौरान उन्होंने वॉन गोग के चित्रों को भी देखा, उनसे उनको काफ़ी प्रभावित भी हुए। पेरिस में उन दिनों अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी लगी हुई थी।
यहीं पर वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विख्यात अनेक कलाकारों से मिले। इंग्लैंड की लेसिस्टर आर्ट गैलरी में एक प्रदर्शनी लगी थी, वहाँ उसने उस प्रदर्शनी को देखा। वहाँ एप्स्टीन के कार्य से वे अत्यधिक प्रभावित हुए। इंग्लैंड में उन्होंने इसी दौरान कांस्य ढलाई का प्रशिक्षण भी प्राप्त किया। यूरोप की यात्रा ने खास्तगीर को कला के प्रति एक नवीन दृष्टि प्रदान की। यात्रा से लौटकर पुनः दून स्कूल में अपना उन्होंने पद संभाला। दून स्कूल में कांसी की मूर्तियों को ढालना संभव नहीं था, अतः उन्होंने सीमेंट और प्लास्टर में अपनी मूर्तियों को ढालना प्रारंभ किया। याद रखिए वे यूरोप की यात्रा पर जब गए तो उन्होंने काफ़ी कलाकारों से मिले, उनका कार्य देखा और साथ ही वे कांसी की मूर्तियों को ढालने का कार्य भी सीख कर रहे। लेकिन ये कार्य दून स्कूल में करना संभव नहीं था, इसलिए उन्होंने वहाँ पर सीमेंट और प्लास्टर में मूर्तियों को ढाला। इसी के साथ देश में अनेक एकल प्रदर्शनियाँ आयोजित की। संभवतः उन्होंने अपनी पहली एकल प्रदर्शनी 1937 में इलाहाबाद, जो कि अब वर्तमान में जिसे प्रयागराज कहा जाता है, वहाँ पर की। उसके बाद 1941 में लाहौर, 1944 में पटना, 1945 में मसूरी और लुधियाना, 1946 में शिमला और उसके बाद मुंबई में अपनी एकल प्रदर्शनी का उन्होंने प्रदर्शन किया। इन सभी प्रदर्शनियों को कला मर्मज्ञों ने खूब सराहा। लंदन में भी उन्होंने अपनी एक सफल चित्र प्रदर्शनी आयोजित की। अब तक वे ख्याति लब्ध कलाकार बन चुके थे। वर्ष 1956 में खास्तगीर जी को राजकीय कला महाविद्यालय, जिसे कि वर्तमान में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट लखनऊ कहा जाता है, वहाँ पर प्राचार्य पद संभाला। याद रखिए 1956 में वे लखनऊ का आर्ट एंड क्राफ्ट कॉलेज में प्राचार्य बने, जहाँ से वे 1962 में सेवानिवृत्त हुए। उनके यहाँ आने के पश्चात उनके अधीन रहकर मदनलाल नागर, रणवीर सिंह विष्ट तथा अवतार सिंह पवार जैसे कलाकार उभरे। वे कला आंदोलन के एक ऐसे प्रिय नेता के रूप में आए और उन्होंने पर्याप्त शासकीय सहयोग भी प्राप्त किया। अगले ही वर्ष 1957 में उन्होंने भारत सरकार द्वारा पद्मश्री की उपाधि से उन्हें विभूषित किया गया। पद्मश्री सम्मान प्राप्त करने वाले वे पहले कलाकार थे, या तो कि प्रथम कलाकार थे जिन्हें पद्मश्री दिया गया था 1957 में। 1960 में प्रकृति ने ऐसा खेल खेला जिसका अनुमान लगाना कठिन था। साधारणतः शांत रहने वाली गोमती नदी में आए विनाशकारी बाढ़ ने खास्तगीर को तोड़कर रख दिया। खास्तगीर जी ने इस प्रलय को एक एकांतिक व्यक्ति की भांति सहा और लखनऊ कला विद्यालय की बहुमूल्य वस्तुओं को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का कार्य स्वयं किया, परंतु वह अपनी मूर्तियों व चित्रकृतियों को नहीं बचा सके। इससे उनके मन को गहरा आघात पहुंचा। फलतः वह गहरे मनोवैज्ञानिक दबाव का शिकार हो गए और बीमार रहने लगे। उनके जीवन भर के परिश्रम को कुछ ही क्षणों में गोमती की भयावह बाढ़ ने निगल लिया था। उसके बाद वे शांति निकेतन चले गए। 1964 में उन्हें कला भवन के प्रधानाचार्य का पद संभालने को कहा गया, किंतु उन्होंने अस्वीकार कर दिया। यहाँ उन्होंने अपने लिए एक निवास स्थान बनवाया जिसका नाम पलाश भवन रखा और यहीं रहकर वह अपना एकांतमय जीवन व्यतीत करने लगे। 27 मई 1974 को लंबी बीमारी के पश्चात उनका निधन हो गया। खास्तगीर जी ने किसी निश्चित शैली में बंधकर काम नहीं किया, परंतु उन्होंने अपनी रुचि के अनुसार भिन्न भिन्न शैलियों का प्रयोग अपनी कलाकृतियों में किया। चित्रण, मूर्तिकला, लाइन कोट, चारकोल चित्रण, कैनवस पेंटिंग, तेल चित्र, पेंसिल स्केच और कोई भी रंग रेखा या कोई भी ऐसी शैली न थी जो उनकी तुलिका से अछूती रही हो। चित्रांकन की उनकी शैली की यह विशिष्टता थी कि वे अपने चित्रों की पृष्ठभूमि जो होती थी उसको कभी सपाट नहीं रखते थे। विभिन्न छोटी बड़ी रेखाओं के जरिए वे पृष्ठभूमि को उभारते थे। खास्तगीर के चित्रों में स्वर और लय का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। उनके जो चित्र है नृत्यांगना, उसमें एक चित्र में उन्होंने बनाया एक युवती को
जो नृत्य मुद्रा में बड़े आकर्षक तरीके से चित्रित उन्होंने इसे किया है। संपूर्ण चित्र में लहरदार रेखाओं का प्रयोग उन्होंने सुंदर वर्ण योजना के साथ किया है। यह चित्र जल रंग में उन्होंने बनाया है। एक अन्य चित्र है नृत्यांगनाएं नामक शीर्ष का जो चित्र है वो भी काफ़ी प्रसिद्ध है। खास्तगीर के चित्रों की एक विशेषता यह है कि उन्होंने नारी पात्रों में माथे तथा नाक तक के वर्ण को गौर वर्ण में अंकित किया है, जिससे उनके नारी पात्रों में एक अलग शांतिपूर्ण भाव उत्पन्न होता है और उनके पात्र बड़े सौम्य प्रतीत होते हैं। उनके चित्रों में वॉन गोग की भांति तुलिका के छोटे बड़े घातों का अंकन स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। कागज हो चाहे कैनवस हो, वह भले ही दृश्य वस्तु की कल्पना कर लेते थे, उनको सिद्धहस्त तथा कुशल चित्रकार की उपाधि दी गई है। खास्तगीर की कला की पृष्ठभूमि पूर्णतया भारतीयता ही रही, हालांकि कहीं कहीं यूरोपीय कला का स्वस्थ मिश्रण भी उन्होंने किया। उनके चित्रों में भारतीय जनमानस और उसकी समस्याएं स्पष्ट दृष्टिगोचर होती हैं। वस्तुतः मौलिक अभिव्यंजना भारतीयता, राष्ट्रीयता तथा भारतीय जनजीवन के चित्रण आदि कई दृष्टियों से भारतीय कला जगत में खास्तगीर जी का अपना विशिष्ट स्थान है। वे यूरोपीय कला के विरोधी नहीं थे, तथापि उनकी दृष्टि सामान्य मान्यता थी उनकी कि वे अपनी लोग अपनी संस्कृति और कला को गहराई में जानें। बगैर विदेशी कलाकारों की टेक्निक तथा शैली का अनुसरण करने से भारतीय कला का क्षरण होता है। यानी उनका कहना था कि जो कलाकार हैं वे पहले अपनी भारतीय संस्कृति को कला को गहराई से समझें और उसके बाद ही वो अगर यूरोपीय कला का अनुसरण करना चाहते हैं तो फिर ठीक है, अदरवाइज भारतीय कला का क्षण होगा। प्रसिद्ध कृतियां जो हैं उन्होंने बंगाल शैली के अनुरूप जल रंग यानी कि वॉश टेक्निक में काम किया और टेम्परा में भी उन्होंने कुछ कृतियों का निर्माण किया, जिसमें श्याम वर्ण कन्या, बुढ़ापा, यौवन, व्यथा, माँ, निर्धन का स्वर्ग, ये उनकी कुछ प्रसिद्ध कृतियाँ हैं। ये टेम्परा माध्यम में बनी हैं। खास्तगीर जी ने तेल माध्यम में कृतियाँ बनाई, जिसमें हैं अभिसारिका, संथाल लवर्स, पुजारिन, फिलिंग, माँ और शिशु, रेस्ट, हेल्पिंग हैंड, विधवा, बांसुरी वादक, बाउल डांस, प्रकृति मिलन, राधा कृष्ण, भिक्षुणी, धरती की बेटी, नृत्यांगना, संथाल कन्या, विश्राम, मीराबाई, पक्षी, महिला पक्षी के लिए हुए ढोलकिया, माँ बच्चा, दो बहनें तथा भगवान बुद्ध इत्यादि उनके प्रमुख कृतियाँ हैं। खास्तगीर को प्रकृति से अपार स्नेह था। उन्होंने अपने चित्रों में अमलताश तथा पलाश के फूलों का बहुतायत में चित्रण किया है। उनके जो चित्रों के या कृतियों के विषय होते थे उसमें कहीं रोमांटिक है तो कहीं दैनिक जीवन से संबंधित है, इनमें कहीं देश प्रेम मिलता है तो कहीं संगीत का आनंद। अपने समस्त चित्रों में उन्होंने रंग, रेखात्मकता, गतिशीलता, अलंकारिता और गहरी वर्ण योजना पर बल दिया है। खास्तगीर जी की प्रतिभा चित्रकार व मूर्तिकार दोनों रूप में प्रस्फुटित हुई है, परंतु वह पहले मूर्तिकार हैं पीछे चित्रकार। उनके द्वारा निर्मित शिल्प मुखाकृतियाँ विदेशों में भी पहुँची हैं, जिनकी सभी कला प्रेमियों ने अत्यधिक सराहना की है। उनकी जो मुखाकृतियाँ हैं यानी कि जो उन्होंने पोर्ट्रेट बनाए हैं उसमें रविन्द्रनाथ टैगोर, पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल इत्यादि प्रमुख हैं। सीमेंट व कंक्रीट के माध्यम से उन्होंने संगीत विषय पर भी पूर्ण आकृतियाँ बनाई हैं, जिसमें नारी की भावपूर्ण मुद्राएँ, उनकी बोलती आँखें एवं हाथ पैरों की मुद्राएं दर्शनीय हैं। उन्होंने प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्ले अथवा टेराकोटा के माध्यम से भी मूर्तियों का निर्माण किया है। पनघट में सिर पर कलश रखे तीन युवतियों का निर्माण बहुत सुंदरता से उन्होंने किया है। इसी प्रकार उन्होंने कहीं स्टडी में मुखाकृतियों का निर्माण किया है,
तो कहीं एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में कुछ मूर्तियों को बनाया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने शीत वन, शीत दो नाम से, युगल प्रेमी, डॉटर ऑफ स्क्वायरल आदि विभिन्न मूर्तियों का निर्माण किया है। इन मूर्तियों में स्थायित्व, ठोसपन, सुडौलता एवं संगठन है, जिन्हें देखकर दर्शक स्वतः भाव विभोर हो जाता है। भिक्षुणी, माँ, विधवा, नववधु, प्रार्थना जो ब्रॉन्ज में बनाया है, किस टेराकोटा में, वसंत, महाकवि रविन्द्रनाथ टैगोर, विचारक, अंगड़ाई, नर्तक, अशोक और हेलन आदि की मूर्तियाँ भावाव्यक्ति की दृष्टि से उल्लेखनीय हैं। सुधीर खास्तगीर की कला में जीवन का यथार्थ मिलता है, जैसे वृद्ध, माँ, नर्तकी, पूजा, यात्रा, तालाब से वापसी, तूफान में यात्रा, अधिक उन उपजाऊ, गरीब की दुनिया, दुख आदि। तूफान में यात्रा आधुनिक अणु बम की विभीषिका से लड़ने वाले शांति दूत कपोत का प्रतीक है, कि उनकी कुछ प्रसिद्ध कृतियां हैं। खास्तगीर ऐसे तपस्वी साधक थे जिन्होंने अपनी तूलिका छेनी से अंतःकरण के सभी भावों को बड़ी सफलता से व्यक्त किया है। खास्तगीर ने नारी की मनोदशा का बड़ा सुंदर अंकन किया है और संक्षेप में भावना और चिंतन के जिन सोपानों से होकर खास्तगीर जी की कला गुजरती है, उसमें भारत की संस्कृति का भावबोध परिलक्षित होता है। भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत खास्तगीर की चित्राकृतियों एवं मूर्तियां आदि कला जगत में महत्वपूर्ण हैं और कला जगत में आने वाली पीढ़ी के लिए वे प्रेरणा स्रोत भी। खास्तगीर का एक चित्र है विश्राम, जो उन्होंने कागज पर टेम्परा माध्यम में बनाया है। वे राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। इसके अलावा खास्तगीर जी के चित्र इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज और चित्रकला परिषद बेंगलोर में भी सुरक्षित हैं। अब आइए उनके कुछ कृतियों पर नजर डालते हैं। ये सुधीर रंजन जी द्वारा बनाया गया चित्र है, माँ और बच्चा। ये एक भित्ति चित्र है। ये उनका एक अनटाइटल्ड है, वुमेन इन प्रेयर। ये 1950 में बनाया है, पेस्टल ऑन पेपर ये चित्र है। ये उनके द्वारा बनाया गया अनटाइटल्ड है, लेडी विथ बर्ड, जिसको बाद में टाइटल दिया गया। 1939 में बनाया है उन्होंने, पेस्टल एंड ऑयल ऑन कार्ड। ये उनका बनाया हुआ एक अनटाइटल्ड चित्र है, गुआचे ऑन पेपर चित्र है। ये है उनका एक अन्य चित्र, वाटर कलर का, 40x28 सेंटीमीटर का चित्र है ये, कृष्णा फ्लूटिंग टू वन ऑफ द गोपीज इन द मूनलाइट। एक ये चित्र है नृत्यांगना का, एक माँ और शिशु, एक ये नृत्यांगना का चित्र है। ये उन्होंने एक बुद्ध का चित्र बनाया है, ये अनटाइटल्ड चित्र है, एक स्त्री का। तो यह था कला परिचय भारतीय प्रसिद्ध मूर्तिकार और चित्रकार सुधीर रंजन खास्तगीर जी का। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करें। गुड लक, जय हिंद।